डेली हंट में हम जब कोई आर्टिकल लिख के पोस्ट करता हूँ तो उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, भले वो ट्रेंडिंग टॉपिक का हो फिर भी उसमें व्यूज़ नहीं आते हैं। तो आज हम दो तीन टिप्स देने वाला हूँ, उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका 100% व्यूज़ आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेक्निकल विजय। तो चलिए रोज़ की तरह आज भी बढ़ते हैं एक कदम आगे। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक को उठा के वहाँ पर पोस्ट करते हो फिर भी आपके आर्टिकल में व्यूज़ नहीं आते, इसकी सबसे बड़ा रीज़न है डेली हंट का फॉल्ट। ठीक है, डेली हंट क्या करते हैं, यहाँ पर आप जो भी पोस्ट करते हैं आर्टिकल उसको रिकमेंड नहीं करता है। अगर आपका पोस्ट रिकमेंड नहीं करता है, रिकमेंड मतलब आपका जो पोस्ट है वो लोगों के पास नहीं भेजता है, अगर रिकमेंड नहीं करेगा तो आपका आर्टिकल में व्यूज़ भी नहीं आएगा। तो क्या हमारे आर्टिकल में व्यूज़ नहीं आएगा? नहीं आएगा। दो तीन ट्रिक्स हम बताने वाला हूँ, उसको आपको फॉलो करना है। जैसे कि यूसी न्यूज़ था, थोड़ा हम बता देते हैं यूसी न्यूज़ में क्या होता था। यूसी न्यूज़ में जब कोई आर्टिकल लीक के वहाँ पर पोस्ट करते थे तो यूसी न्यूज़ क्या करता था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड देता था। ठीक है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, हम खुद वहाँ पर काम करते थे, वहाँ पर ज़्यादा रिकमेंड मिलता था हमें। जितना लोगों के पास भेजता है उतना हमें व्यूज़ मिलता है। मान लीजिए 1 लाख लोगों के पास भेजा तो कम से कम 20 से 30 हज़ार तो हमें व्यूज़ मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यूसी न्यूज़ में काम होता था, लेकिन डेली हंट में व्यूज़ ही नहीं आता है क्योंकि रिकमेंड नहीं करता है, ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करता है। दो तरीके का व्यूज़ दिखाई देता है, तो उसको कैसे चेक करता है कौन सा रियल व्यूज़ है और कौन सा रिकमेंड है, तो अगर आप नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख लेना। तो चलिए दो तीन टिप्स जो है वो आपको बता देते हैं। अगर फॉलो करके उस टाइप से आप आर्टिकल पोस्ट करते हो तो आपका रिकमेंड नहीं आने से भी आपका जो आर्टिकल है वो सर्च लिस्ट में आएगा। जब सर्च लिस्ट में आएगा लोगों के पास ऑटोमेटिकली जाएगा तो आपका व्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वो ट्रिक्स क्या है। देखिए, कोई भी पोस्ट वायरल कैसे होता है, कोई भी पोस्ट में ज्यादा व्यूज कैसे आता है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। हम कोई भी आर्टिकल लिखता हूँ तो उसमें जो कोई भी क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद वहाँ पर ज़्यादा टाइम देती है, मतलब ज़्यादा टाइम से उसको पहरती है, मतलब उसको अच्छा लग रहा है तो वो ज़्यादा टाइम पहरेगा उसको। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगता है तो वो ज़्यादा टाइम नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा टाइम नहीं पहरता है, क्लिक करता है और उसको बैक कर लेता है तो आपका पोस्ट वायरल नहीं होगा, ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है पहला ट्रिक्स आपको क्या करना होगा। पहला ट्रिक्स आपको ये करना होगा कि आर्टिकल कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि कोई भी अगर क्लिक करे तो उसमें ज़्यादा टाइम दे। ठीक है, पूरा आर्टिकल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, कम से कम 300 वाट का होना चाहिए ताकि वहाँ पर टाइम ज़्यादा दे, पब्लिक ज़्यादा टाइम दे। ठीक, अब हम क्रिएट पोस्ट में क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आर्टिकल में क्लिक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल थ्रू, हम पहले से ही लिख के रखा हूँ, यहाँ पर हम सिंपल पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा आप। देखिए, अब यहाँ पर लिखने का कुछ स्टाइल आपको अच्छा करना होगा क्योंकि जो कोई यहाँ पर पहरेगा वो यहाँ पर क्लिक करके वो पूरा पहरे और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, तो आपको ये आर्टिकल जो है स्टाइलिश बनाना होगा। देखिए, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, एक मिनट, देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको स्पेस कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये मेरा इस तरह से हो गया। फिर से हम यहाँ पर स्पेस करेंगे कुछ इस तरह से, स्टाइलिश से आपको लिखना होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा थोड़ा और भी स्टाइलिश कर देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके इसको भी थोड़ा स्पेस कर देंगे, तो ये हो गया मेरा स्टाइलिश तरह का। ठीक है, अच्छे से समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हमें एक फ़ोटो लगवाना है, बढ़ते बढ़ते बोरिंग ना लगे इसलिए एक पिक्चर देना होगा। उसके बाद देखिए, ये जो टाइटल है, ये टाइटल सबसे महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ट्रिक्स हम बोल रहा हूँ, ये टाइटल जो है, इस टाइटल ही आपका मेन पॉइंट है। जब कोई क्लिक करता है तो सबसे पहले वो टाइटल को देखता है कि किस बारे में ये आर्टिकल है। ठीक है, तो टाइटल को आपको यूनिक बैठाना है ताकि टाइटल को देख के लोग क्लिक कर दे। ठीक है, ये था पहला ट्रिक्स। दूसरा ट्रिक्स हम बताने जा रहे हैं, दूसरा ट्रिक्स को आपको अच्छे तरीके से समझना है।
ये जो है ये थंबनेल बैठाने को बोल रहा है, यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा इस कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो थंबनेल होता है वो थंबनेल आपको अट्रैक्टिव देना है। देखिए कोई भी लोग अगर आर्टिकल में क्लिक करता है तो वो सबसे पहले टाइटल और थंबनेल ये दोनों चीज देखता है, आप उसमें क्या लिखा हो ठीक है वो नहीं देखता है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, इसीलिए थंबनेल को सबसे ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण देना है। आप अगर आर्टिकल 2 मिनट में लिखते हो तो थंबनेल आपको 30 मिनट तक सोचना है कि थंबनेल क्या बनाना चाहिए ताकि यूनिक हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है। तो उस तरह से आपको थंबनेल बनाना होगा और यहाँ पर थंबनेल अटैच करना होगा। ये था सेकेंड ट्रिक्स, ठीक है। अब हम लास्ट ट्रिक्स की बात करेंगे, 3 नंबर ट्रिक्स। देखिए नीचे में आना है और देखिए ये जो गिनर है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर कई तरह का कैटेगरी दिखाई देगा। यहाँ पर आपको उस कैटेगरी को चूज़ करना होगा जो आपका है, मतलब कोई हेल्थ के बारे में या फिर ब्यूटी के बारे में बता रहे हो तो आपको हेल्थ चूज़ करना होगा यहाँ से, ठीक है। न्यूज़ के बारे में बता रहे हो तो पॉलिटिक नेशनल न्यूज़ ये सबसे ज़्यादा व्यूज़ लाती है, ठीक है। ये जो पॉलिटिक्स है ये सबसे ज़्यादा व्यूज़ देती है, हमने देखा है। अब मान लीजिए एग्जांपल तो हम वही बैठा दिया हूँ कैटेगरी, आप सब कैटेगरी यहाँ पर क्लिक करके आपको तीनों में से एक देना है। यहाँ पर जो बीच वाला आप देख रहे हैं ये बीच वाला अगर क्लिक करते हो तो ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा 100%, हम ये करके देख चुका हूँ। अब देखिए नीचे में आना है, आप यहाँ पर तो हैशटैग यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देना है, यही आपको सर्च लिस्ट में ले आएगा आपका पोस्ट को। देखिए आपने जो कैटेगरी में टॉपिक में आर्टिकल लिखा है सबसे पहले उसी टाइप का आपको टैग देना होगा, ठीक है। सबसे पहले एक टैग उसी टाइप का देना होगा, ओके, अच्छे से समझ गया यहाँ से। और उसके बाद आप उसी टाइप का टैग मत दीजिएगा, उसके बाद आपको डेली सीआर में देना होगा, डेली सीआर, ठीक है, इसमें क्लिक कर दें, और डेली वायरल और डेली ट्रेंडिंग, ठीक है। अगर आपका पोस्ट लाइफस्टाइल है तो आप यहाँ पर सबसे पहले लाइफस्टाइल लिखोगे, उसके बाद डेली सीआर, डेली ट्रेंडिंग, डेली वायरल, ठीक है, ये आपको देना है। इस तरह से आपको टैग बैठा देना है, कम से कम यहाँ पर 5 टैग आप डाल सकते हो, उसके बाद आपको पब्लिश करना है। ये तीनों ट्रिक्स अगर आप फॉलो करते हो तो 100% मान के चलिए आपका आर्टिकल जरूर वायरल होगा, आपका आर्टिकल में जरूर व्यूज़ आएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना टेक्नोलॉजी और जॉब रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।